मोकामा में वोटिंग जारी है। हमारे साथ हैं सूरज भान सिंह, बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी हैं, उनका ये समर्थन कर रहे हैं, इनकी पार्टी आरएलजेपी अभी एनडीए का हिस्सा है। मोकामा सीट सर शुरू से चर्चा में रही है, यहाँ जीतता वही है जिसके पास बाहुबल है और धन बल है। बाहुबलियों की धमक इस सीट पर शुरू से रही है, फिर से दो बाहुबलियों की पत्नी टकरा रही हैं आपका समर्थन सोनम देवी को, बीजेपी की स्थिति क्या लग रही है चुनाव में? देखिए ये चुनाव तो फैसला अपना कर चुका है कि हमें किनको आशीर्वाद देना है, वो तो फैसला जो मन बना लिया तो हो गया। और रह गई सवाल चुनाव, ऐसा कोई देश का लीडर है जो नहीं हारे हैं? श्रीमती गांधी ऐसे आदमी हार गए हैं तो उनसे भी बड़ा कोई बाहुबली होगा? जनता सबसे बड़ा बाहुबली है, जब उनको नकार सकता है तो हम आप किस गली में? आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है? ये आपसे ज़्यादा सर्वे कौन कर सकता है? आप रोज टहल रहे हैं, घूर रहे हैं, जब सभी कोई एक जाति नहीं, सभी जाति धर्म के लोग ये मन बना लिया कि मुझे बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, तो रास्ता बचा कुछ क्या? मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट पड़ रहा है क्या आपको लग रहा है बीजेपी कैंडिडेट को? बीजेपी तो बहुत जमाने के बाद कौन यहाँ उम्मीदवार दिए, 95 के बाद लोग में ये कसक था कि कब कमल आएगा, कब कमल आएगा, कमल आया और यहाँ खिल गया। अनंत सिंह चार बार विधायक रहे, क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया? इससे ज़्यादा हम क्यों कहेंगे किए या नहीं? आप 20 साल नहीं 30 साल का 32 साल का आप संपूर्ण इलाका घूर के उसका इतिहास जैसे कि आप सर्वे कीजिए, तब आप हमसे इस बात कीजिएगा सवाल तो हम जवाब देंगे। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह थे, आपने उनको हराया था, इस क्षेत्र में आपकी बहुत पकड़ है और उसी का लाभ बीजेपी इस चुनाव में लेना चाह रही है। देखिए हमारा लाभ क्या लेंगे, और वे बेचारे आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय दिलीप सिंह जी हमारे बड़े भाई थे, वो गुजर गए हैं, उन पर मुझे कुछ नहीं, भगवान जहाँ उनको शांति जैसे की दें यही मेरी कामना। आखिरी सवाल सुरजभान जी, अनंत सिंह के घर से हथियार मिला था, तब उनके समर्थकों ने कहा था कि जदयू के लोगों ने फंसवाया, जो वही जदयू के लोग उनके साथ देखे। मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, कौन फंसाया, कौन क्या किया, क्यों चुनाव हो रहा, इस चीज़ पर आप जिनके बारे कहते वही आपको अच्छी जवाब देंगे। अनंत सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। साफ तौर से कहे कि अनंत सिंह कई बार विधायक रहे लेकिन इस क्षेत्र के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शाम कुमार, ABP News, मोकामा।